बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। कुछ लोग इसे देर से ही सही लेकिन बहुप्रतीक्षित कदम बता रहे हैं। भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। उन्हें 1966 में भारत रत्न दिया गया था। अभी तक कुल 16 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और अब कर्पूरी ठाकुर का नाम 17वें स्थान पर है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि ये भारत रत्न न केवल कर्पूरी जी के अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है बल्कि इससे समाज में समरसता को और भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद बिहार के क्षेत्रीय दल राजद और जेडीयू ने इसका श्रेय लेते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग और कास्ट सेंसस को इसके पीछे कारण बताया है। कर्पूरी ठाकुर के लिए लिया गया ये फैसला बहुत देर से लिया गया। उन्हें भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके दो शिष्य कहे जाने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब नीतीश मंत्री थे, फिर बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव थे। इन लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये फैसला लिया गया है और जनता की भावना का सम्मान किया गया है तो इसके लिए उन्हें वाहवाही भी दी जा रही है, तो ये अच्छा ही है। अगर इसे चुनाव में बिहार के लोगों का वोट लेने की वजह से लिया फैसला भी बताया जा रहा है तो भी ये ठीक ही है। आखिर लंबे समय से लंबित काम पूरा हुआ है। लोग तो चाहते ही थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिले, तो लोगों पर निश्चित रूप से जादू चलेगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी के द्वारा रोका जा सकता है। ये एक सराहनीय काम है, अभिनंदनीय काम है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। और हजारों लोगों ने जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया है वो ने उसके लिए बधाई दे रहे हैं। लालू यादव का समय अब समाप्त हो चुका है, वो अब कुछ भी बोल सकते हैं। इतने दिनों बाद जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, उसके इतने दिनों बाद बिहार में जाति जनगणना कराकर दायरा बढ़ाया, इन चीजों का अब कोई मोल नहीं है। दुनिया अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहुंच गई है लेकिन ये लोग अब भी कई साल पुरानी बातें कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जो एक विलक्षण समाजवादी नेता थे जिन्होंने उत्तर भारतीय की राजनीति को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो गरीबों का लोकतंत्रीकरण चाहते थे। वो ये जानते थे कि दुनिया में शिक्षा में सुधार के बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 50% रखा गया, वो सब कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर आगे बढ़कर किया गया। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के हीरो नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के सपने को उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये फैसला डर के कारण लिया गया है, तो अगर भाजपा ने डर के कारण ये किया है तो फिर इन्होंने सम्मान से ही क्यों नहीं कर लिया। जयप्रकाश के नाम से, बीएन मंडल के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई है लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम से इनके द्वारा एक भी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई। इनके द्वारा सिर्फ वोट लेने के लिए ये कहा जाता है कि हम कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं और हम उनके समर्थक हैं। बीजेपी की सरकार ने ये फैसला लिया है तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि उनके द्वारा लिया फैसला अच्छा है। 32 वर्षों से लालू यादव और नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है लेकिन इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। हम सब बस यही चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार हो। अब अगर कमंडल के साथ भाजपा मंडल को साध रही है, वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। देर आए पर दुरुस्त आए।